देखिए, इस तरह से स्प्रे करने से आपके जो फूलों की पत्तियां होंगी वो काफ़ी हेल्दी होंगी। ये देखिए, कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और फ्लावरिंग भी अच्छा साइज में होगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे गार्डनिंग चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग गुलाब के ग्रोथ को लेके पहले दो वीडियो बना चुका हूँ, लगभग 10 दिन हो गए हैं। और आज मैं उसी पार्ट का तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि नेसेसरी आपको अपने गुलाब में ऐसा करते करना है जिससे आपकी गुलाब की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो हमने दो जो किए हैं उसका रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये देखिए कितना ग्रोथ है और पत्ता भी अच्छा अच्छा निकल रहा है। ये देखिए जिसमें कि ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। तो जितने भी हम लोग वो जो फर्स्ट सेकंड किए हैं उस पर देखिए इतना कितना अच्छा ग्रोथ है। ये देखिए। तो हम लोगों को जो पौधा था उसको काफ़ी बूसी और बड़ा बनाना है। देखिए, इसमें मैंने बड़ हटा दिए थे। तो ये देखिए ग्रोथ, और भी आपको दिखाते हैं जब जाइए। तो ये देखिए, ये जो है हमारा ग्रोथ है। ये देखिए, इसमें हमने इसके जो बड़ हटा दिए थे और देखिए ये तुरंत फिर बड़ ले लिया। तो हमें इसके बोर्ड को हटाते रहना है जब तक मतलब अच्छे से ग्रो नहीं हो जाता है। तो हम लोग इसके बोर्ड को हटा देंगे। ये देखिए, इसमें भी हमने वही प्रोसेस किया था। तो ये देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हो गया है। तो हमें इसे घना करना है। देखिए, सब में ग्रोथ चालू हो गया है। आपको बस यही प्रोसेस करना है, अपने जो गुलाब है उसको बूसी बना ले। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ऐसा होता नहीं है लेकिन हो गया है। ये देखिए, ये मेरा वाइल्ड रोज है, देख रहे हैं। और इस पे देखिए ये फ्लावरिंग आ गया है। वाइल्ड रोज हमेशा बंच में फ्लावरिंग करता है। ये देखिए, और ये ग्राफ्टेड नहीं है, ये देख रहे हैं, ग्राफ्टेड नहीं है, इसी के ब्रांच में। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है लेकिन हो गया है। देख, इसका भी फ्लावर बहुत छोटा छोटा होता है। तो आइए हम लोग तीसरा स्टेप करते हैं। तो दोस्तों, तीसरे स्टेप में आपको करना क्या है, ये देखिए। इसमें भी देखिए कितना सारा बॉड लिए हुए हैं, ये देखिए। लेकिन इसे हम लोग हटा देंगे, रुक जाइए, मैं इसे प्रून कर देता हूँ। ये देखिए, कितना सारा बर्ड है इसमें। तो अभी गर्मी है और जो नए नए बर्ड होते हैं उन पे जो कीड़े अटैक करते हैं, तो इस तरह से मैंने हटा दिया कि मैं अभी इसका भी अच्छा ग्रोथ चाहता हूँ। फिर बाद में जितनी फ्लावरिंग लेनी होगी इस टाइम में भी अच्छी फ्लावरिंग, जो ये बर्ड्स वगैरह खिलेंगे तो अच्छे से खिलेंगे। लेकिन अभी मैं फिलहाल इसमें भी है तो हटा दूंगा, पहले मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, तीसरा स्टेप है कि आपको पेस्टिसाइड चाहे जो भी फंगीसाइड हो, जैसे हमारा ये पौधा है, और जब भी फंगीसाइड आपको डालना हो, जैसे कि हम लोग फर्स्ट में बर्ड को हटाए, सेकंड में नीचे की पत्तियां साफ कर दिए, तो इसमें आपको जो है ये नीचे से इसके पत्तियों पर स्प्रे करना है। ये देखिए इस तरह से, जब आप नीचे से साफ कर देंगे पौधा बड़ा हो जाएगा। तो आराम से छोटे में भी कोशिश कीजिए कि आप पत्तियों के नीचे से आप स्प्रे करें। जब भी आप पानी डालते हैं तो मॉइस्चर जो होता है पत्तियों के निचले साइड पे, जो ये साइड होता है ना, इस साइड पे लग जाता है। और गर्मियों में काफ़ी गर्मी होती है, आप देखे होंगे जो पूरा ठंड का मौसम में है वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि एक मॉइस्चर एक सीजन रहता है तो उसमें कीड़े नहीं पनप पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप नीचे पानी डालते हैं, गर्मियों का मौसम स्टार्टिंग जो अभी चल रहा है इसमें बहुत ऐसा होता है, तो आपका नीचे से जो वाटर जाता है वाष्प बन के, तो यहाँ पे हो जाता है, लग जाता है, और ऊपर से गर्मी पड़ती है। तो ये जो होता है पौधे इस साइड में पनपते हैं, ऊपर में नहीं
बहुत कम कीड़े होते हैं जो बड़े होते हैं आंखों से दिखते हैं, वो ऊपर पे लगते हैं, लेकिन नॉर्मली आपका नीचे से ही जो होता है पत्तों को ख़राब करने वाले जो माइट्स होते हैं लगते हैं, जो भी देखिएगा पत्ते के नीचे से। तो आपको जो थर्ड स्टेप है उसमें स्प्रे करना है पत्तों के नीचे से इस तरह से, और इसको लगभग 10 दिन पे आराम से कर सकते हैं। इसमें आप फंगीसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो रोगर फोगर आता है उसे भी टी फोगर करके आता है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, कोई भी कीड़ा मारने वाला। तो आपका एकदम काफ़ी अच्छे से पत्तियां भी काफ़ी स्वस्थ हो जाएंगी। देखिए जो पत्ती डैमेज हो गई रिकवरी तो नहीं होता है, लेकिन जो नई पत्तियां होंगी और जिसमें मतलब कीड़े होंगे वो मर जाएंगे, तो पत्तियां कुछ अच्छे ढंग से काम करेंगे, और जब पत्तियां अच्छे से काम करेंगी तो आपका गर्मी में भी फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होगी। तो दोस्तों आपको थर्ड स्टेप में यही करना है कि आपको जो भी फंगीसाइड मारना है वो इस तरह से मारना है। तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।